भीम आर्मी ने केएमसी हॉस्पिटल के खिलाफ खोला मोर्चा, लाइसेंस निरस्त करने की मांग। मेरठ ऑक्सीजन की कमी से दर्जनों मरीजों की मौत के आरोपों में घिरा केएमसी हॉस्पिटल लगातार विपक्ष के निशाने पर है। तमाम राजनीतिक दलों के बाद अब भीम आर्मी ने भी केएमसी हॉस्पिटल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को इस पूरे प्रकरण का खुलासा करने वाले हॉस्पिटल के कर्मचारी देवेंद्र के साथ भीम आर्मी से सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसी के साथ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर गौतम के साथ पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। सिकंदर गौतम ने आरोप लगाया कि प्रशासन केएमसी हॉस्पिटल प्रबंधन के दबाव में काम कर रहा है, जिसके चलते अब तक हॉस्पिटल के संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 3 दिन के भीतर हॉस्पिटल के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो संगठन के कार्यकर्ता सीएमओ कार्यालय पर डेरा डालेंगे। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे हॉस्पिटल के कर्मचारी देवेंद्र ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल के संचालकों द्वारा उस पर हमले का प्रयास कराया गया है। उस पर अपना बयान वापस लेने और सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाया जा रहा है। जी, मेरा नाम सिकंदर बौद्ध है, भीम आर्मी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जो कसाई खाना इस मेरठ में खुला हुआ है, केएमसी नाम का जो हॉस्पिटल है वो खुला हुआ है, उसमें जो बस सलूकी हमारे भाई के साथ हुई और प्लस 200-300 जो मौतें हुई हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, उसके लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन यहाँ पर ज्ञापन देने माननीय जिलाधिकारी महोदय को आएगी। लेट में ये थे क्योंकि तैयारी कल ही हुई थी, तो सभी साथी और ज्ञापन की तैयारियाँ इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा हम लेट हो गए। जी ऐसा है, जागने की बात नहीं है, इसमें काम हमारी टीम ऑलरेडी कर रही थी। कल भी कुछ संगठन जो है और हम भी मिला जुली डेली कर रहे हैं, यही देवेंद्र हैं जिन्होंने इसका खुलासा किया है। तो भाई ने मदद मांगी है, तो आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे यहाँ पर स्वयं भेजा है। और जो केएमसी जो कसाई खाना है, अगर ये बंद नहीं होता है तो सीएमओ साहब का घेराव जो है हम 3 दिन बात करेंगे। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। किस तरह की धमकी आ रही है आपके पास, क्या दबाव में दवा दबाएगी कुछ करी है? जी डॉक्टर सुनील गुप्ता जी, अभी हमारे हम कल गाड़ी से जा रहे थे तो 3-4 लड़के आके हमें घेराव कर दिया था कल भी हमारा। उन्होंने धमका रहे थे कि तू अपना बयान वापस ले और ये फेसबुक से वीडियो डिलीट मार। उन्होंने मारने की धमकी दी मेरे को।